اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شهد في الامبراء وال穆سلين وآل هت الطاهرين الماسمين ولا الله على أعدائهم أجمعين <تصفح> أما بعد فك

तमाम नाजरीन को सलाम पेश करते हैं खुदा बंद आप सब का हाम ही हो नासिर हो अपनी तोफ़ीक आप सब के शामिल हाल फरमाएँ अज़ीर मोहतरम माह मुबारक रमज़ान यकीनन मुबारक महीना है रहमतों वाला महीना है इंसान इसमें जितनी ज़्यादा इबादत बजा ला सकता है वो लाए कोशिश करे इतात इलाही नाफरवानी से बचे अपनी ज़ुबान को बेहूदा बातों से बचा के रखे अपने कानों को बेहूदा कलाम से बचा के रखे अपनी आँखों को बेहूदा मंज़र से बचा के रखे हराम मंजर से बचा के रखे अजीद न महतरम खुतब शहबानिया के हवाले से कल जो गुफ्तु हो रही थी वो अखलाक के हवाले से थी पेम्बर अक्रम सल्हसम ने फ़रमाया था कि जो भी इस माह मुबारक रमज़ान में अपने अखलाक को हसन बनाएगा अच्छा बनाएगा ख़ूबसूरत बनाएगा तो उसके कदम नहीं डगमगाएंगे उस दिन जब लोगों के कदम फिसल रहे होंगे डगमगा रहे होंगे पुलिस रात पे इस कदर अहम है ये अब इसके बाद एक अहम मसले की तरफ पैम्बर अक्रम सल्हसम ने इशारा फरमाया व मन खफा फ़ीहाद शहर अम्मा मलकत यमीनों खफल्ला हिसाब के जो इस माह मुबारक में अपनी कनीज़ों अपने गुलामों के साथ रवैया अच्छा रखेगा और उनके बोझ को कम करेगा तो खुदावंद मतल क्यामत के दिन उसका हिसाब भी खफीफ लेगा आसान लेगा अगर आज आसानी पैदा करेंगे उनके लिए तो क्यामत के दिन परवर दिगार आपके हिसाब में आसानी पैदा फरमाएगा अजीजा ने मतन सदर इस्लाम में इस्लाम में उससे पहले और उसके बाद तक ये गुलामों का सिस्टम दायज था कनीज, कनीजी का सिस्टम दायज था मन जंगों में आदमियों को असीर बनाना फिर उनको बेच देना ग़ुलामी के हवाले से गुलाम बना लेना मंडियाँ लगती थी इंसानों की जिसमें ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी कनीजों की खरीदो फर होती थी अगरचे इस्लाम ने मुख्तलिफ बहानों के साथ ऐसा सिस्टम बनाया कि इन गुलामों को आजाद करने का बीच में रखा किसी न किसी बहाने से कहा गुलाम को आजाद करो कफारे के तौर पर रोजा नहीं रखा जानबूझ के नहीं रखा माहिर मुबारक रमजान का कहा कि गुलाम को आजाद करो इसी तरीके से और चीजों में नजर तोड़ दी फला किया या इसके लिए रखा इस्लाम ने वक्तन-फक्तन ऐसा सिस्टम रखा कि मुआरे से इस गुलामी वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए आज ये सिस्टम हमारे पास नहीं है दुनिया में लेकिन एक दूसरा है और वो क्या है मुलाजिम मसलन हम तनख्वाह किसी की मुकद्र करते हैं उसको अपनी दुकान पे अपने घर पे मुलाजिम रख लेते हैं गार्ड रख लेते हैं बोर्ची रख लेते हैं या मस बर, वो कपड़े धोने वाली है खाना पकाने वाली है फलान है इस अंदाज में दुकान पे मुलाजिम रख लिया फैक्ट्री में मुलाजिम रख लिया तो ये चीजें ये मुलाजिम है तो एक किस्म का आज ये हकाम इनके भी शामिल हाल हैं यानी आप इनके लिए आसानी पैदा करेंगे खुदाबंद मताल कि आमद के दिन आपके लिए आसानी पैदा करेगा हिसाब और किताब में बस दफ़ा ऐसे अफराद मिले हैं यकीन कीजिए वो बेचारे गार्ड होते हैं घर वाले बेहतरीन शहरी वगैरह की लेकिन उनको पूछा तक भी नहीं गार्ड का वो खुद बेचारे जाके वहाँ से बाजार से ला के तो सहरी कर ली या जो इफ्तारी है वो बाजार से ला के वो कर ली ये किस कदर सख्त है हमारे माशरे के लिए ऐसे अफराद भी हमारे माशरे में हैं कि जो माह मुबारक रमजान में भी इन बातों का ख्याल नहीं रख अज से इंसान इस्लाम ने इंसान की कद्र करने की तलकीन की है कि आप कदर कीजिए उसको इंसान शुमार कीजिए उसका ख्याल रखिए याद रखें कि पैसे दे के किसी को खरीदा नहीं गया आपने पैसे के बदले में उसकी खिदमात ली है सर्विस उससे वो आपका काम करेगा वो आपका कोई गुलाम नहीं बन गया और ऐसा नहीं है कि एक के पास पैसा है दूसरे के पास पैसा नहीं है तो वो पैसे वाला बाकरामत हो जाएगा वो जो मुलाजम है रखने वाला वो बाकरामत हो जाएगा ना इस्लाम में बाकरामत इन नकामक इन है अतकम साहेब करामत वही है साहब इजत वही है जो साहेब तकवा है ये सिर्फ माशरे में एक कामों की जिम्मेदारियों की तकसीम है कि उसने ये काम करना है उसने ये काम करना है जैसे कौम कबीले हैं किसी कबीले को किसी कौम को किसी कौम पर तरजीह हासिल नहीं है यह कौम कबीले क्यों बनाए कुरान कहते तो आरफ हूं ताकि तुम आपस में मुतारफ हो जाओ पहचान करवाने के लिए वगैरह ये वजह फजीलत नहीं है कोई कौम किसी कौम को बरतरी हासिल नहीं है किसी कौम को किसी कौम पे किसी ग्रोह को किसी ग्रोह पे कोई बरतरी हासिल नहीं है इसीलिए हुक्म दिया गया है खबरदार कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए मुमकिन है कि वो उससे बेहतर हो उससे बदतर हो लहजा जीजा ने मुखरम आज जिनके यहां मुलाजमीन हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो पैम्बर अक्रम वा वसल्लम हम तक यह पैगाम पहुंचा रहे हैं ये आवाज कब उठी थी ये कदार इंसानी की आवाज आज से 1400 सौ साल पहले बुलंद हुई है हुकूक बशर इससे बढ़कर हुकूक बशर क्या होगा किसी ने हुक बशर की तालीम लेनी है, तो इस्लाम के दरवाजे पे दहलीजे इस्लाम पे आए इस्लाम सिखाता है कि इंसान की अकदार क्या है इसके क्या हैं। इस हवाले से यह हमारी जिम्मेदारी बनती है अजीजा ने मोहत के अगर हमारे ऐसे हैं मुलाजमिन फरमाया इनके साथ आप माहि मुबारक रमजान में जरा हाथ हल्का रखें क्यामत के दिन खुदा जमानत दे रहा है कि खुदा अपना हाथ हल्का रखेगा हिसाब कम लेगा हिसाब आसान हो जाएगा आज उनके लिए आसानी पैदा करेंगे क्यामत के दिन परवरदिगार आपके लिए आसानी पैदा करेगा ये एक चीज, दूसरी चीज हंसीदानी मोहतरम जिस नोट्स की तरफ पैम्बद्याकर्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वमन कफ़ फीय शर रहू कफ़ लाहु अनहु ग़ज़बा यामा जलकाहु। अपने शर को रोक के रखे, दूसरे तक न जाने दें। इसमें शदारत ना करें अगर किसी ने आपके साथ तलखी की है तो उसको माफ कर दें अपने गजब को पी जाए दूसरे को माफ करें और फसाद की जड़ ना बने वमन मन कब फे शर रहो इसमें जिसने अपने शर को रोक के रखा तो खुदावंद मुताल क्यामत के दिन उससे जो क्यामत के हालात हैं वो रोक लेगा यानी जो सख्तियां हैं वो उसके लिए आसानी उसमें फ्राहम करेगा किसने गलती की है दरगजर करें माफ करें खसूस माह मुबारक के में वमन अक्रम फी यमन अक्रम्का फिर उसी चीज़ की खुदाबंद मताल खूस अब इस चीज़ को जो पैम्बर अक्रम खुदा के अजीम अजीमशान पैम्बर हैं अब खुदा की तरफ से जो पैगाम पहुँचा रहे हैं वो क्या है यही है वमन अकरामफी है यतीमन जिसने किसी यतीम का इकराम किया अक्रम्हु योम तो खुदा उसका इकराम करेगा क्यामत के दिन आज यतीम का ख्याल करेंगे क्यामत के दिन खुदा का ख्याल करेगा उसका इकराम करेंगे इसीलिए मत ख़ुद शीन मोहम्मद वाल मोहम्मद को आईतम आल मोहम्मद कहा गया है कि ये आल मोहम्मद के यतीम हैं जिसने इनका ख़्याल रखा जिस शिया ने जिस शिया का ख्याल रखा उसका इकराम किया तो ख़ुदा वंद मतल क्यामत के दिन उसका ख्याल रखा ये किस कदर ताकीदा पहले भी इस हवाले से आया था अब फिर इसका मतलब है कि यतीम के हवाले से पेम्बर अकदम सल्लाई हसासीयत के साथ काम ले रहे हैं बहुत ही हसास मौजूद है कि जिसको आसान नहीं लेना चाहिए आसानी से जिससे गुजर नहीं जाना चाहिए जिसमें जिद्दियत के साथ गौर व फिक्र करना चाहिए और फिर आगे फरमाते हैं व मन वसलफी है रहमा हु वसलहुल्लाह बिरहमति ही यौम यलका आज जिसने सिले रहम किया खुदा क्यामत के दिन उसको पादाश अता करेगा अपनी रहमत इस तक पहुंचाएगा जिसने आज सिलाई रहमी की किसी के साथ रहम के साथ पेश आया खुदांद मुताल क्यामत के दिन अपनी रहमत के साथ इससे पेश आएगा अपनी रहमत इसको अता करेगा वह मन कत रहा जो इसमें कत रहमी करेगा इस माह मुबारक में तो क्यामत के दिन भी खुदा अपनी रहमत को इससे काट देगा ये महरूम हो जाएगा रहमत खुदा से कटा हुआ आज आपने अपनी रहमत को दूसरों से काटा है पेम्बल फरमा देगा खुदा क्यामत के दिन अपनी रहमत को उससे काट देगा जो मुतवजे रहना चाहिए कि ये कितने अहम मौजू हैं यतीम वाला भी सिले रहमी कत रहमी पहले भी बयान किए थे अब दोबारा उस पर ताकीद की जा रही है यानी ये इंतहाई अहम मौजूद हैं जिन्हों के पैम्पर ने दोहराया है खुदा वंद मतल से दुआ करते हैं कि परवर हम सब को इन तालीम पे अमल पैदा होने की तोफीक अता फरमाए सिलार रहमी की तोफीक अता फरमाए यतीम के साथ अच्छा सलूक करने की तोफ़ीक अता फरमाए खुदा वंद मतल हमें अपने दीगर रवाबित को अच्छा बनाने की तोफ़ी नसीब फरमाए और सबसे बढ़कर अपना रबा अपने वक्त के वली के साथ बेहतर बनाने की तोफ़ीक नसीब फरमाए परवत दिखा तुझको वास्तव मोहम्मद वार मोहम्मद का दुनिया से जुल्म और सितम के खात्मे के लिए इमाम जमाना के ूर में ताजील फरमा और हम सब को अपने मौला अवका के अनसार में शुमार फरमा जिन अफराद ने दो आयम हमारे जिम्मे लगाई हैं यकीन मतदेद हैं हम नाम नहीं ले सकते परवर परवरदिगा तोयूब है बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा उनके मरहूमिन को उगरी कराहत फरमा परवरदि हम सबका खातिमा बिलखैर फरमा बिन नबी वाले वालेक वरह व